मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हेडिंग देंगे डिफरेंशिएबिलिटी। एक्सरसाइज 5.2। सबसे पहले हेडिंग देंगे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला बनता है हमारे पास जो फर्स्ट प्रिंसिपल तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एच ठीक है। बट फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज जो है अभी फिलहाल 12th क्लास में नहीं ठीक है, बट इस फॉर्मूले को याद रखेंगे जब मैं कंपटीशन का पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक बार और इसको रिवाइज करूंगा। वहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव भी हमने निकालना ठीक है। फिलहाल अभी जो हमारे पास है पहले डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले है एंड चेन रूल से ये हमारा स्टार्ट ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन फर्स्ट नंबर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन e by dx of sin x ये बन जाएगा cos x e by dx of cos x ये बन जाएगा minus sin x ये दिक्कत हो जाता है। नोट करो जरा जल्दी से, गलत बटन दब गया तो सारे डिलीट हो जाए। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास हो गया फोर्थ नंबर, अभी इसको नोट कर लो फिलहाल। तो अभी अगर इसको मैं ब्लैंक करा दिया था पहले पहले तो हमारा फॉर्मूला था एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच ठीक है। उसके बाद ये हमारे बेसिक फॉर्मूले है। फोर्थ नंबर हमारा है ठीक है लिमिट डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स ये बनेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट हो गया डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ log x 1 upon x d by dx of e की पावर x d by dx of a की पावर x into log a to the base e ठीक है। इलेवेंथ नंबर डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स हो गया लॉग एक्स हो गया कॉट एक्स हो गया सभी हो गए।
ए की पावर एक्स भी हो गया है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। नेक्स्ट है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लिए। ये बनता है वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाय डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स वन अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। डी बाय डी एक्स ऑफ cot inverse x minus 1 upon 1 plus x square। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट रूल। मैं सबके एग्जांपल्स करवाऊंगा अभी। प्रोडक्ट रूल d by dx of 2 into v, ये बनता है u dv by dx plus v du by dx। करो ठीक है, u dv by dx plus v du by dx हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल के बाद हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारा कोशेंट रूल। मैं सबको विद एग्जांपल करवाऊंगा क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि 11 तुम्हारा जीरो है, ज्यादा अच्छा रहे। ठीक है, तो तुम लोग भी टेंशन फ्री, मैं भी टेंशन फ्री, मैं पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट d by dx of 2 upon v, so v into du by dx minus u into dv by dx upon v square। ठीक है, तो ये हमारा बन गया quotient rule। and last one is chain rule। chain rule तो ये हमारा बनता है if y is function of u and u is function of x। ठीक है, if y is function of u and u is function of x, then dy upon du, dy upon dx equal to dy upon du into du upon dx। ठीक है, तो इतना हमारे पास डिफरेंशिएशन के हमारे इतने फॉर्मूले हैं। और अभी मैं इन सब पे बेस थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवाना मैं स्टार्ट करूं। चलो दो साइड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर एक साइड अगर डिलीट हो गया तो एक साइड तो रह जाएगा, इसलिए चलो जैसे अभी बीच में अभी डिलीट हो गया था ना उस टाइम से, इसलिए दो साइड। तो सबसे पहले फाइंड डी वाई बाय डी एक्स इफ वाई इक्वल टू एक्स टू साइंस। ठीक है, तो यूज द प्रोडक्ट रूल, मतलब
एक सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं उसका, पहला हो गया यू, दूसरा हो गया वी, ठीक है, पहला हो गया यू, दूसरा हो गया वी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू इनटू बी बार डी एक्स ऑफ वी प्लस बी इनटू ई बार डी एक्स ऑफ यू, ठीक है, तो दिस विल बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, एक्स इनटू कॉस एक्स प्लस ई बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, ये तो आसान है, ई बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्या बनेगा, वन वन वन, सो दिस इज साइन एक्स, ये हमारा बन गया बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अभी तुम लोग अगला क्वेश्चन दो, फाइंड ई वाई बाय डी एक्स इफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन, करो जरा जल्दी से, सर आ गया, चलो तो डी वाई बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया टू, तो आंसर विल बी एक्स स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स इंटू टेन, ठीक है। नेक्स्ट, मैं दूसरी साइड का ब्लैक कर रहा हूँ पेज, नहीं कर लेते हैं ना, फाइन, अच्छा तुमने कर दिया, फाइन डी वाई बाय डी एक्स इफ वाई इक्वल टू, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, x into tan of x square plus 1, करो, उस समय मुझे बता देना कैसे बनाते हैं, चलो y equal to x into tan of x square plus 1, तो यहां बन जाएगा आ गया dy by dx equal to x into d by dx of tan of x square plus 1 मल्टीप्लाइड प्लस टेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, तो एक्स इंटू टेन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, अब देखो यहां हमारा लग जाएगा चेन रूल, चेन रूल क्यों लगेगा, बिकॉज tan is other function of x, ठीक है, अगर tan अगर सिर्फ अगर x का function होता तो direct formula लगता है, but tan यहाँ पर directly x का function नहीं है, उस वजह से हम क्या करेंगे, multiplied by d by dx of x square plus 1, मतलब chain rule लगा, dy by du into du by dx plus tan of x square plus 1 into d by dx of x हो गया, तो x into देखो x square plus 1 का differentiation हो जाएगा 2x into sec square x square plus 1 plus tan of x square plus this is that, ठीक है, next आते हैं, डिलीट होता है तो पूरा डिलीट होता है, तो हो गया हमारा, अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा फाइंड dy बाय dx इफ y इक्वल टू cos ऑफ sin, करो जरा y इक्वल टू cos ऑफ sin, ठीक है y इक्वल टू cos ऑफ sin, फाइंड dy बाय dx इफ y इक्वल टू cos ऑफ sin, सेम है चेन रूल यहां पे हमारा लगेगा और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व। सर हो गया, हो गया। क्या बनेगा बोलो आंसर? माइनस साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पे हमारा लग जाएगा चेन रूल, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस का बना माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो दिस विल बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो मतलब माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन, ठीक है, साइन ऑफ साइंस, ठीक है। तो ये जो हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2, वो सिमिलर पैटर्न का है। ये हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2। सर साइन इनटू साइन एक्स कोस एक्स कैसे किया? साइन इनटू साइन एक्स कोस एक्स कहाँ किया? सर एक बार फिर से समझाने इसको। देखो जरा फिर से सेकेंड मेथड बता रहा हूं। चेन रूल y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, लेट u इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, let u equal to sin x, so y equal to cos of u, क्या बना u equal to sin x हो गया ना, तो y equal to cos of u, तो dy upon du, cos का differentiation minus sin u, और u की जगह क्या है sin x, तो बन गया minus sin of sin x, ठीक है। now u equal to क्या है sin x, u equal to sin x, तो du upon dx की भी requirement है, this equal to बन जाएगा cos, ठीक है, du upon dx हो गया cos, therefore dy upon dx equal to dy upon du into du upon dx, this is the formula of chain rule, so this equal to बनेगा dy upon du, ये हमारे पास है minus sin of sin x multiplied by du by dx cos x, ये हमारा हो गया dy upon dx, so this is the formula, ठीक है, करो तो यहां हमारे पास हो जाएगा एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 जो है इसमें हमारा पूरा चेन रूल पे बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, सेम है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या फाइंड dy बाय dx if y equal to sin of x square plus 5, करो जरा जल्दी से क्या बनेगा, कर लो आसानी है।
cos x square plus 5 2 x into 2 into 2 x. Very good. So यहाँ पे बन जाएगा dy upon dx equal to sine का differentiation हो गया cos x square plus 5 into d by dx of x square plus 5. ठीक है, तो x square plus 5 का differentiation हो गया 2x. So this will be 2x into cos of x square plus 5. ठीक है, next है question number 2. cos of sin x हमने कर लिया, question number 3 में आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू दिया है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, बोलो जल्दी से. सब कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू ए. वेरी गुड, ए इंटू कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू sec ऑफ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, tan ऑफ रूट x, फाइंड dy by dx. ठीक है, फाइंड dy by dx. ठीक है, sec ऑफ tan ऑफ रूट x, इसके dy by dx की वैल्यू निकालो. करते हैं, बिल्कुल तुम्हारा आंसर सही है. तो dy upon dx equal to, इसको ले लिया u, ठीक है, तो sec x into tan x. एक काम करो, थोड़ा और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. लेट u, वैसे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बट थोड़ा सा इसको सिंपल करके चलते हैं. u इक्वल टू टेन ऑफ रूट x, ठीक है, तो y इक्वल टू बन गया sec ऑफ u y अपॉन du, ये बनेगा sec u इंटू tan u, मतलब sec ऑफ tan ऑफ रूट x इंटू tan ऑफ tan of root x. ठीक है, next u equal to tan of root x है, तो u equal to tan of root x du upon dx. tan का होता है sec square into d by dx of root x. रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ठीक है, एक्स की पावर 1 बाय 2 बनेगा 1 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर 1 बाय 2 माइनस 1. सो 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स. ठीक है, तो ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया डी यू अपॉन डी एक्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा यही दिक्कत है. So next thing is dy by dx. dy by dx equal to dy by du into du by dx, मतलब 1 upon 2 root x sec square root x into sec root x into sec of tan root x, है ना, into sec of tan root x into tan of tan root x. ठीक है, so this is the answer. अरे हाँ बोलो मिश, आप YouTube पे लाइव क्यों नहीं कर लेते सर?